हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके प्लांट में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप कौन सी चीज़ अपनाएंगे जिससे आपके प्लांट में फ्लावर्स भी आएंगे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाएगी और प्लांट की जो पत्तियां पीली हो जाती हैं वो भी इस फर्टिलाइज़र में डालने से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपके प्लांट में एकदम ग्रोथ रुक गई है और उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो फ्री का फर्टिलाइज़र है आप जो फेंक देते हैं और हम यूज़ कर लेते हैं, तो प्लांट हमें फल देता है, फूल भी देता है, साग सब्जी भी देता है। जो हमें प्लांट देता है उन्हीं को हमें प्लांट को ही कर देना चाहिए, और जो खाने वाला यूज है उसको यूज कर लें, और बाकी जो फेंकने वाला है वो फेंके नहीं, प्लांट को ही दे दे वापस। जो हम प्लांट से लेते हैं प्लांट को ही वापस हम दे दें, तो हम प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, फूल लाने के लिए हमें क्या क्या करना है तो दिखाते हैं। और इस फर्टिलाइज़र में फ्री का है ना, आपको इसको सुखाना है और ना ही आपको इसमें कोई और चीज़ मिलानी है, और ना ही आपको इसको पोटली बांध के दो चार दिन के लिए रखना है पानी में भिगो के। बहुत ईजी है और बहुत अच्छा उपयोग है, क्योंकि इतनी जल्दी कंपोस्ट हो जाता है मिट्टी में और इतनी जल्दी ही अपने गुण दिखाने लगता है पौधों को। तो इस तरीके से आप सब्जी के जो छिक्कल होते हैं, सबसे पहले आप सब्जी के छिक्कल, जो लौकी के छिक्कल होते हैं, उनका यूज बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाता है, बहुत जल्दी गल जाते हैं मिट्टी में दबा के रखे, और रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि लौकी के छिक्कल पतले होते हैं, डी कंपोस्ट बहुत जल्दी हो जाता है मिट्टी में, ना फंगस वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। अगर ज़्यादा फंगस की शिकायत है तो आप नमक डाल के मिट्टी में दबा के रख सकते हैं, इसको सुखाना भी नहीं है। जैसे सब्जी छीली वैसे ही आपको अपने गार्डन के लिए निकाल लेना है और उसको मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद दबा देना है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और मैं हमेशा सब्ज़ी के छिक्कल ज़रूर मैं डालती हूँ, खासकर लौकी के, और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन बी सारे कॉम्प्लेक्स इसमें पाए जाते हैं, और कैल्शियम भी पाया जाता है। अगर पौधों में कैल्शियम की कमी है और नाइट्रोजन की भी कमी है, तो ये सारे लौकी के छिक्कल सारे आपके मिट्टी में पहुँच कर सारे पौधों को दे देंगे, और ये बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत ही तेज़, इसका रिजल्ट बहुत फास्ट निकलता है, तभी हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और इसको ईजी है, इसको यूज़ करना कोई झंझट नहीं। देखिए इसमें देखिए ये गुड़हल है, इसमें कलियाँ आ रही, सिर्फ सब्जियों के छिक्कल डालने से ही, और प्याज के छिक्कल हैं और केला के छिक्कल है, सिर्फ सब्जियों के छिक्कल डालने से इसमें देखिए आ रहे हैं। और दूसरा गुड़हल है, इसमें मैं यही डालने जा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको और कैसे डालना है। बस इसको थोड़ा सा मिट्टी में गुड़ाई कर दीजिए किनारे किनारे, और बहुत ही जल्दी खाद के रूप में तैयार हो जाएगी मिट्टी और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो चारों तरफ डाल देना है, और मैं जिसमें फूल में खासकर गुड़हल में ज़रूर डालती हूँ, अगर फूल नहीं आ रहे तो। ये देखिए ताज़े ताज़े सब्जी के छिक्कल हैं लौकी के, और इनको ऐसे डाल देना है, ये देखिए, और सारा डाल दीजिए और फिर इसको मिट्टी में ऐसे ऊपर से दबा दीजिए,
और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें, ऑर्गेनिक है और कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है। सिर्फ आपको ऊपर से मिट्टी में दबा देना है, कोई फंगस नहीं, और बहुत जल्दी डीकम्पोस्ट हो जाता है। और मैं अधिकतर ये लौकी की छिकल ही डालती हूँ जब मेरे प्लांट में कोई समस्या होती है। और तो ये देखें, बहुत अच्छी अच्छी गले के लिए है। और ये देखें कितने अच्छे से गुड़हल के फूल आज खिले हुए हैं। तो सब ये सब्जियों के छिकल का ही कमाल है, ऑर्गेनिक छिकल। और ये देखिए, दिखा रही मैं आपको, बहुत ढेर सारे फूल खिल गए हैं आज। तो तितलियाँ भी एक दो आ रही हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी सब्जी के छिकल, खासकर लौकी के छिकल का यूज, आप आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, फूल नहीं आ रहे, कोई भी समस्या हो, आप इसको लौकी के छिकल ज़रूर यूज़ करिए। और इसका रिज़ल्ट बहुत फास्ट मिलता है, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगती है। तो जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो फूल भी आएंगे और उसमें कोई फंगस लगने का चांस नहीं है। आप ऐसे ही गीला डालिए, मिट्टी में दबा दीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसमें राख भी आप यूज़ कर सकते हैं, हल्दी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे डाल देती हूँ तो फंगस लगने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि मिट्टी में ही मैंने दबा दिया है। और सूखा होता है, ड्राई तो थोड़ा होता है उसमें, लेकिन धूप में नहीं सुखाते, ऐसे छील के ऐसे डाल देते हैं सूखा ही, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।